बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोन मीडिया में। महुराज रॉब दिख रहे हैं स्टोन मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं 23 तारीख से 23 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू है। देखिए 28 अगस्त वाला पर आप लोग कल भी कमेंट किए थे कि सर वो वाला एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं, बिहार पुलिस का एग्जाम है तो टेंशन ना लीजिए। 28 अगस्त वाला जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन करवा दिया जाएगा, उस दिन के बदले दूसरे दिन एग्जाम लिया जाएगा। आप लोग यदि बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और 28 को आपका पेपर है तो निश्चिंत होकर के बिहार पुलिस का भी तैयारी कीजिए और पार्ट 3 का भी तैयारी कीजिए। 28 तारीख को आप बिहार पुलिस वाला एग्जाम देने जाइएगा, उस दिन जो है कि पार्ट 3 का एग्जाम और नेट्स वाला नहीं होगा, जल्द ही नोटिफिकेशन उसके लिए जारी कर दिया जाएगा। मैंने कल पूछा था कि आप लोग क्या करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो बहुत सारे अभ्यर्थी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के बारे में कह रहे थे और अधिकतर जो कमेंट्स आ रहे थे बीएड और पीजी को लेकर के। यदि हम पीजी की बात करें, बिहार विश्वविद्यालय पे दो सेशन में एडमिशन होगा पीजी का, उसके बाद से मुझे लग रहा है 2 साल वाला पीजी भी बंद हो जाएगा क्योंकि 3 साल वाला स्नातक में तो एडमिशन अब बंद हो चुका है, तो 3 साल वाला स्नातक जब है ही नहीं तो फिर 2 साल वाला पीजी किसके लिए रहेगा। तो पीजी में एडमिशन अब जहां तक मुझे उम्मीद है बिहार यूनिवर्सिटी में 24 से 26 में एक एडमिशन हो जाएगा और दूसरा जो है कि 25 से 27 में, जब 22 से 25 के पार्ट 3 का एग्जाम होगा वो लोग पास करेंगे तो उन छात्र छात्राओं के लिए 25 से 27 में एडमिशन पीजी में होगा 2 साल वाला। उसके बाद देखिए हो सकता है कि 1 साल वाला पीजी वगैरह आए 4 साल वाले स्नातक के लिए। तो जो भी लोग पीजी वगैरह करना चाहते हैं, आप 21 से 24 के पार्ट 3 का रिजल्ट जब आएगा तो बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन शुरू होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। बस 2 सेशन में एडमिशन होगा पीजी में, उसके बाद देखिए क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। अब रहा बात की सबसे पहले जीएस का एग्जाम है पार्ट 3 का और पहला पेज जो होता है आपके आंसर शीट में जो बिहार विश्वविद्यालय एग्जाम लेती है कई सालों से अभी होता आ रहा है, स्नातक हो या पीजी हो या बीएड हो, पहला जो डिटेल्स भरना होता है वो ओएमआर शीट रहता है, बाकी जो आंसर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं वही लाइनिंग वाला पेज रहता है। तो क्या जीएस के लिए स्पेशल ओएमआर शीट वगैरह आता है क्या? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यदि आता है तो उसको किस तरीके से भरेंगे, यदि स्पेशल नहीं आता है तो फिर किस तरीके से ओएमआर शीट पहला पेज वाला भरेंगे बता दीजिए, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस वाला जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो जो फर्स्ट पेज होगा ओएमआर शीट उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वही पुराना वाला है। देखिए लगभग पिछले 3-4 सालों में हम देखें तो लगातार एक ही तरह का ओएमआर शीट जो है कि बिहार विश्वविद्यालय हर एग्जाम में रिपीट करती है। अभी पीजी का एग्जाम हुआ था 23 से 25 वाला, उसमें भी जो है कि इसी ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में बीएड का एग्जाम हुआ था या जो है कि ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ था, सब में जो है तमाम स्टूडेंट यही ओएमआर शीट। देखिए ये एक हिस्सा है ओएमआर शीट का, ये जो आप देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये आप देख पा रहे ब्लैक जो है हल्का डैश टाइप का है, ये वाला पूरा पोर्शन में बांटा गया है। तो इधर वाला सेक्शन आपको भरना होता है और इधर वाला सेक्शन का मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाऊंगा। इधर वाला सेक्शन में जो है कि ऊपर के तरफ पेपर आईडी और एग्जाम डेट कहेगा भरने के लिए, ऊपर के तरफ जहां पर कर्सर जा रहा है ऊपर के तरफ, यानी ये ओएमआर शीट का जब फुल पेज आपको मिलेगा तो फुल पेज यहां तक मान लेते रहेगा, तो यहां पर जो है कि आपको पेपर आईडी और एग्जाम डेट फिलअप करने के लिए यहां पर कहेगा, बाकी जो है कि कहीं नहीं भरना है, बस ये वाला पोर्शन जो है कि आपको फिलअप करना है। आपने पार्ट 2 का एग्जाम दिया था उस वक्त भी इसी ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया था, पार्ट 3 का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी यही ओएमआर शीट का इस्तेमाल होगा, जीएस का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी यही ओएमआर शीट का इस्तेमाल होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, पहले में आप देख पा रहे हैं अपना नाम लिखना होता है, फादर नेम लिखना होता है, मदर नेम लिखना होता है और आधार नंबर जो है कि वह लिखना होता है। हालांकि आधार नंबर लिखने से जो है कि लगभग 6 महीना पहले एक रिपोर्ट आई थी कि आधार नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी छात्र छात्राएं जो कि वह लिख देते हैं। यदि आप इसको छोड़ भी देते हैं आधार नंबर वाला सेक्शन तो उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि एक बार ये न्यूज आ चुकी है कि अपनी प्राइवेसी जो अपना आधार नंबर है तो प्राइवेट डेटा है, इसको हम आंसर शीट पर क्यों अटेम्प्ट करें। तो इसके बारे में अखबार में छापा गया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आधार नंबर भरें, लेकिन आपकी इच्छा होगी तो आप चाहें तो आधार नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। तमाम मिनिस्टर देखिए नाम, फादर नेम, मदर नेम और आधार नंबर है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम में जो है कि आप जीएस के दिन जो है कि जनरल स्टडीज लिखिएगा, ये बिजनेस लॉ लिखा हुआ है, आप GENERAL और एक छोड़ दीजिएगा STUDIES जनरल स्टडीज, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा और इसमें
स्टूडेंट नेम लिखना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम स्टूडेंट नाम में लिखिएगा, तो यहाँ पर भी अपना नाम लिखना पड़ता है और यहाँ पर भी अपना नाम लिखना पड़ता है। अंग्रेजी में कैपिटल में लिखिएगा। अच्छा, जीएस का जो पेपर है, आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि हाँ हिंदी में ही लिखे या इंग्लिश में लिखे, आपकी इच्छा, जिस लैंग्वेज में आप चाहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिएगा तो ये डेट है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डेट लिखना है जिस दिन एग्जाम होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 है, तो आप 2 और 3 लिख दीजिएगा तो 23 हो जाएगा। 23 और 0 और 8 और यहाँ पर 2 और 4 यानी 24 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही 23, 0, 8 और 24 लिख करके, और जिसके सामने जो होगा वो अपना गोला एकदम ऐसे गोल कर दीजिएगा। ये डेट चढ़ाया गया है, डमी डेट, ताकि आपको समझाया जा सके। देखिए ये पेपर आईडी है, पेपर आईडी इसमें छूटा हुआ है। पेपर आईडी जो है कि जब आपका एग्जाम होगा, आपको जब क्वेश्चन सीट मिलेगा तो क्वेश्चन पर ही पेपर आईडी रहता है 5 अंक का, आपको पता होगा वो वाला। यहाँ पर जो है कि इसमें लिख करके और इसमें जो है कि गोला कर दीजिएगा जो भी जिसके सामने आए वो। अब देखिए जीएस के दिन जो है तमाम स्टूडेंट, ये ऑनर्स पेपर में गोला किया हुआ है, सब्सिडरी है, और यहाँ पर देखिएगा तो ये जनरल पेपर है। ये जनरल पेपर वैसे स्टूडेंट जो बीए जनरल, बीएससी जनरल, बीकॉम जनरल करता है उसके लिए आता है। तो जीएस के दिन जो है कि आप इस तीनों में से किसी में भी नहीं घसिएगा। ऐसा नहीं कि नीचे वाला समझ के जनरल पेपर है तो इसको हम घस दिए, तो नहीं, ये जनरल कोर्स अलग कोर्स है, आपका ऑनर्स वाला है। तो चूंकि ये ऑनर्स का, जब जिस दिन ऑनर्स का पेपर होगा, मान लेते कि आपका 3 ऑनर्स या 4 ऑनर्स है, जिसका प्रैक्टिकल होगा उनका 3 ऑनर्स थ्योरी वाला होगा, जिसका प्रैक्टिकल नहीं उनका 4 थ्योरी का होगा ऑनर्स वाला। तो ऑनर्स एग्जाम के दिन तमाम स्टूडेंट आप इसमें जो है कि ऑनर्स में घसिएगा, लेकिन जीएस के दिन जो है ना ये पूरा का पूरा छोड़ दीजिएगा, इसमें ना कुछ लिखिएगा। और यहाँ पर जो पेपर नंबर है, पेपर नंबर आप देख पा रहे हैं, जब आप ऑनर्स का एग्जाम दीजिएगा तो पेपर नंबर, जिस दिन पेपर 5 का एग्जाम होगा, आप उस दिन 05 लिख करके और इसमें सामने सामने गोला कर दीजिएगा। जिस दिन पेपर 6 का एग्जाम होगा, आप 06 लिख करके गोला कर दीजिएगा। जिस दिन 7 का एग्जाम होगा तमाम स्टूडेंट, उस दिन जो है कि 07 लिख करके आप यहाँ पर गोला कर दीजिएगा। 8 वाले, जिस दिन पेपर 8 का एग्जाम होगा, यानी पेपर वाइज 5, 6, 7, 8 पेपर है ना आपका, जिस दिन जो पेपर होगा आप सामने सामने लिख करके 0 लगा करके और घस दीजिएगा। जीएस पेपर के एग्जाम के दिन ये पेपर नंबर खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें मत लिखिएगा कुछ। उसके बाद से आपका आ जाएगा, दिखेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी हो सकता है कि 21 होगा, उसके बाद से कोई जो है कि अल्फाबेट होगा ए से लेकर के जेड तक में कोई भी नंबर। यदि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में ए से लेकर के जेड तक कोई भी नंबर होगा तो सिर्फ यहां से लेकर के सामने ऐसे ही लिख दीजिएगा, इसमें घसने की जरूरत नहीं है। इसमें गोला तभी घसिएगा जब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में किसी भी प्रकार ए से लेकर के जेड तक कोई भी आता है लेटर, तो सिर्फ उसमें लिख दीजिएगा और नीचे मत घसिएगा। उदाहरण के लिए देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 20 और BH है, बाकी भी और है लेटर या अंक है, तो इन्होंने क्या किया है, बस ऊपर ही लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें गोला नहीं किया है, क्योंकि गोला में तो B है ही नहीं। अब मान लेते कि 2 घस दिया, 0 घस दिया, B छोड़ दिए, H छोड़ दिए, तो और गड़बड़ा जाएगा। उससे अच्छा है कि बस यदि हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर में A से लेकर के जेड तक कोई लेटर आता है तो बस हम ऊपर लिख देंगे और इसमें नहीं घसेंगे। और बहुत सारे बच्चा होगा जो 19 से 22 वाला होगा, 19 से 22 का जब रजिस्ट्रेशन नंबर आया था तो उस वक्त ए बी सी डी टाइप का कुछ था नहीं, 20 से 23 का जब रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ तब से लेकर के अब जो आती है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, उसमें ये जो है कि लेटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए इसमें जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही लिखिएगा यदि ए से लेकर के जेड तक कोई भी आपका लेटर है। और ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना एकदम सावधानी से भरिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर और रोल नंबर, इसमें किसी भी प्रकार से आपकी गलती ना होनी चाहिए। और एक हाजिरी बनाने जब आएगा रजिस्टर पर अटेंडेंस शीट, 3 चीजें पूरा OMR शीट में रिजल्ट को पेंडिंग होने से बचाना है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, हमारा रजिस्ट्रेशन ईयर किस साल का है और अटेंडेंस शीट जो बनने आएगा वो, तमाम स्टूडेंट बस इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा। बाकी थोड़ा मोरा गलती नाम लिखने में, सब्जेक्ट का नाम जो कि लिखने में, या डेट में गलती हो जाए, पेपर आईडी में गलती हो जाए, नीचे रोल कोड कॉलेज कोड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर और जो अटेंडेंस शीट बनने के लिए आएगा पेज दिया जाता है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं, और देखिए ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर। तमाम स्टूडेंट 21 से 24 वाले, आपका रजिस्ट्रेशन ईयर जो है 2021 का है तो 20 और 21 लिखिएगा 21 से 24 वाले। वहीं 20 से 23 का कोई आदमी स्टूडेंट होगा तो उनका तो 20 से 23 सेशन है तो रजिस्ट्रेशन ईयर 20 होगा तो वो 20 लिखेंगे।
कोई होगा जो 19 से 22 का होगा, जो 21 से 24 के साथ अपना पार्ट 3 क्लियर करना चाह रहा होगा, तो 19 से 22 वाले रजिस्ट्रेशन जो ईयर होगा उनका 2019 होगा। देखिए सेंटर पर जो है ना बहुत सारा टीचर जो है कि इसमें 2024 लिखवा देता है, मतलब कि जिस ईयर में एग्जाम होता है ना वही वाला ईयर लिखवा देता है, तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। पार्ट वन में रजिस्ट्रेशन होता है, एक ही बार होता है, और पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन ईयर इसमें लिखा जाता है, तो आपके पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन ईयर 21 से 24 वाले 2021 है, इतना याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा, उसके बाद से रोल नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, आप देख पा रहे रोल नंबर एकदम एस एस सी लिख करके और जो भी सामने होगा वो गोला घास दीजिएगा। ये कॉलेज कोड और सेंटर कोड जहां पर आपका एग्जाम होगा वहां से पता कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा और सामने सामने गोला घर दीजिएगा। उसके बाद से देखिएगा तो ये यहाँ पर थोड़ा कट गया हुआ है तमाम स्टूडेंट, ये फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का है, एक है और दो है। यहाँ पर सीटिंग बताना है कि आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो रहा है कि सेकंड सीटिंग में हो रहा है। यदि फर्स्ट सीटिंग में होगा तो ये फर्स्ट वाला गोला घस दीजिएगा, सेकंड सीटिंग में होगा तो ये सेकंड वाला गोला घस दीजिएगा। और नीचे जो है कि इसमें अपना पूरा साइन करना पड़ता है, पूरा फुल नेम आपको लिखना पड़ता है तमाम स्टूडेंट। तो यही है जीएस और ऑनर्स के लिए कोई स्पेशल ओएमआर शीट वगैरह जो है कि बिहार विश्वविद्यालय नहीं देती है, सबका एग्जाम इसी टाइप का जो है कि ओएमआर शीट फर्स्ट पेज रहता है डिटेल्स भरने वाला, और इसी पर आजकल सबका एग्जाम बिहार विश्वविद्यालय ले रही है। तो हम स्टूडेंट इतने याद रखिएगा और थोड़ा दिमाग में ये भी रखिएगा, कहीं एकाध गो जो है कि यहाँ पर हो सकता है कि नीचे भी कहीं आपके गार्जियन का नाम लिखने खुने के लिए ऑप्शन वगैरह दे दे, तो इतना याद रखिएगा। मैंने आपको जो है कि जीएस पेपर के लिए या ऑनर्स पेपर के लिए एक ओएमआर शीट का ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन हाँ इन चीजों को ख्याल में रखते हुए भी जो ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा आपके सामने आएगा थोड़ा उस पर भी जो है कि कंसंट्रेशन बना करके रखिएगा, ओएमआर शीट अच्छे से भर करके तब अगला पेज से ओएमआर शीट के पीछे वाला भाग में भी आंसर मत लिखिएगा, ये वाला पेज छोड़िए दीजिएगा, इस वाले पेज में बस अपना एग्जामिनेशन डिटेल्स ये वाला सब फिल करके और आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। तो दूसरा पन्ना से इसके पीछे वाले में भी मत लिखिएगा, दूसरा पन्ना से आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ओएमआर शीट पर जो कंफ्यूजन थी जीएस को लेकर के वो भी क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।